नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, कल जो है एक MPNRC के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, एक नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस के बारे में हमारे पास बहुत से कॉल्स आए हैं, बहुत से कमेंट्स आए थे मेरे पास, बहुत से मैसेज आए थे कि उस नोटिस का क्या मतलब है, ठीक है, उस नोटिस में क्या कहा जा रहा है। परीक्षा परिणाम दिया नहीं गया है अभी तक, तो परीक्षा परिणाम को स्थगित करने का क्या मतलब है, ठीक है। तो बहुत से लोगों के मन में इसके प्रति जो है संशय है, डाउट्स है। तो इस वीडियो में हम उन तमाम बातों के बारे में बात करेंगे कि आखिर उस नोटिस का मतलब क्या है, ठीक है। तो इस नोटिस में जो बातें लिखी हुई है, हालांकि वो बातें आप लोगों के लिए नया नहीं है, क्योंकि हमने इस मैटर में पहले भी कभी कई वीडियो बनाए हुए हैं। हमको लग रहा है कि पिछले दो वीडियो में हम जरूर इस बात को आपसे शेयर किए हैं, ठीक है, कि उस बात का मतलब क्या है। आपने पहले भी नोटिस देखा होगा कि जिसमें कहा गया था कि जो 18 से 24 तक एग्ज़ाम हुए हैं उसका एग्ज़ाम जो है हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी किया जाएगा, ठीक है। तो इन तमाम बातों को आप जानते हैं पहले से। तो इन ये जो नोटिस कल दिया गया है काउंसिल की तरफ से, तो इसका क्या मतलब है, इसके देने के पीछे का क्या कारण है, आखिर MPNRC के ऊपर किस प्रकार का दबाव है, किस प्रकार का प्रेशर है जो कि इस नोटिस को जारी किया गया है, ठीक है। तो हम इन बातों पे आज बात करेंगे इस वीडियो में, और हम आपको जड़ तक ले जाएंगे कि यह विवाद जो है आखिर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या एग्ज़ाम भी कैंसिल होने का इसमें संभावना है, क्या एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इन तमाम बातों को जानेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे नर्सिंग से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको आसानी से और सही सही मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं और आपको कुछ तथ्य दिखाते हैं। उससे पहले वो नोटिस हम आपको एक बार पढ़ के बता देते हैं उसमें क्या कुछ कहा गया है, ठीक है। और हम पिछले तमाम जो हलचल है MP में, जो नर्सिंग कॉलेज के बारे में जो जांचें चल रही है, या हाईकोर्ट का निर्देश आया है, या CBI का जांच चल रहा है, वो तमाम बात के बारे में जो है हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वो नोटिस पहले हम आपको दिखा देते हैं एक बार। वो नोटिस जो है आप यहाँ पर देखिए, ये वो नोटिस है जो कि कल जो है सर्कुलेट किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 21/6/23 का है, ठीक है। अति आवश्यक सूचना हेडिंग करके दिया गया है, जिसमें कहा गया है, आप देखिए, मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा GNM पाठ्यक्रम प्रथम एवं द्वितीय वर्ष। तो इसमें प्रथम वर्ष कौन हुआ, जिसका सत्र 21 से 22 है, ठीक है, 21 से 22 वाले का, और द्वितीय वर्ष कौन हुए, जो जिसका कि सेशन 20 से 21 था, ठीक है, का मुख्य परीक्षा जो है 18 मई से लेकर के 24 मई तक आप जानते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो उपरोक्त आयोजित परीक्षा परिणाम, ठीक है, आगामी आदेश तक स्थगित किए जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ था कि परीक्षा का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो आखिर किसको वो स्थगित कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं बातों को हम आज आपको बताते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, जब परीक्षा आप लोगों का हुआ था तो आप लोगों का कॉपी जो है जांच करने के लिए जो है भेज दिया गया था, ठीक है, और वो कॉपियां जो हैं आप लोगों का कॉपी जो है ऑलरेडी चेकिंग हो रहा था। तो इस आदेश के बाद जो है उन कॉपियों को जो है तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। अब उसका ना चेकिंग होगा, ना उस पर किसी प्रकार का कोई काम होगा, ठीक है। तो इनके पीछे का जो कारण है वो हम भी आपको इसमें बताते हैं, और वो क्या जो है इसके पीछे का कारण है, ठीक है। तो ये नोटिस आपने समझ लिया कि परीक्षा परिणाम आगामी आदेश तक स्थगित किए जाते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने एक नोटिस देखा होगा जिसमें कहा गया था कि जो 18 से 24 तक एग्ज़ाम हुए हैं उसका जो रिज़ल्ट है, अगर कॉलेज फर्जी पाया गया तो उसका रिज़ल्ट जो है होल्ड कर दिया जाएगा तब तक जब तक कि हाईकोर्ट का निर्देश नहीं होता है तब तक, ठीक है। तो ये कोई नया नोटिस नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ कोर्ट के प्रेशर के कारण जो है आप लोगों को दिखा दिया गया है। देखिए ये नोटिस हमने दे दिया है, अब कोर्ट का आदेश जो होगा हम उस पर काम करेंगे। काउंसिल के हाथ में अब कुछ नहीं है,
काउंसिल अपने हिसाब से जो प्रयास किया था एग्जाम लेने का जबरदस्ती, उस पर कोर्ट तो कई खरी खोटी काउंसिल को सुना चुका है ऑलरेडी। आप लोगों को पता है आप लोगों का एग्जाम जो है पहले 8 मई से था, ठीक है, 8 मई से था, जो कि कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद 10 दिन के बाद 18 तारीख से जब फिर एक नया डेट दिया गया, ये जबरदस्ती डेट दिया गया था कोर्ट का अवहेलना करके, ठीक है। तो एग्जाम तो इन्होंने ले लिया, काउंसिल के द्वारा एग्जाम ले लिया गया, लेकिन जब कोर्ट को इसके बारे में पता चला तो कोर्ट बहुत नाराज हुए इस बात को लेकर के कि आपने सीबीआई जांच होते हुए एग्जाम कैसे करवा लिया। हम आपको दिखाते हैं, देखिए कोर्ट क्या कुछ कहा था उनको, ठीक है, काउंसिल को। अब यहाँ पे देखिए, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन इसके पीछे क्या प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये वो नोटिस है, देखिए कितनी बड़ी आपत्ति जो है कोर्ट के द्वारा काउंसिल को कहा गया। देखिए मध्य प्रदेश, ये 14/6 का है, ज़्यादा पुराना नहीं है, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल बेलगाम है, ठीक है, कोर्ट के आदेश का पालन करने वाला नहीं है, बिल्कुल बेलगाम है, उसके ऊपर किसी का कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखिए, सीबीआई जांच के बीच जीएनएम परीक्षा कराने पर हाईकोर्ट नाराज। हाईकोर्ट ने मना करा था एग्जाम से, तब आपका 8 मई वाला एग्जाम कैंसिल हुआ, लेकिन जो है काउंसिल के द्वारा जबरदस्ती आप लोगों का एग्जाम जो है करवाया गया 18 तारीख से, ठीक है। जब कोर्ट को इसके बारे में पता चला, जब सीबीआई जांच करने कॉलेज पहुंचा तो पता चला कि जीएनएम का एग्जाम हो रहा है, तो सीबीआई ने कोर्ट को इस मैटर पे बताया, तो सीबीआई का जो पत्र मिला कोर्ट को, तो वो काफ़ी नाराज हुए। यहाँ पे देखिएगा, इसके कॉलेज शिक्षा की दुकानों से भी बदतर, समझ रहे हैं, बिल्कुल दुकान से भी बदतर है, ये बहुत बड़ा घोटाला है, हाईकोर्ट ने ये कहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसमें, नर्सिंग फर्जीवाड़े में चल रही, हम आपको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, शायद आपको क्लियर दिखे। नर्सिंग फर्जीवाड़े में चल रही 364 कॉलेज, जो टोटल कॉलेज हैं, सीबीआई का जांच चल रहा है, जिसमें 20,000 छात्र छात्राओं को जीएनएम परीक्षा कराने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बेहद तल्ख लहजे में नाराजगी जताई। आपने एग्जाम करवाया क्यों जब जाँच चल रहा था तब, ठीक है। जस्टिस रोहित आर्या और जस्टिस संजीव एस कालगांवकर की डिवीज़न बेंच ने मंगलवार की सुनवाई में कहा कि एमपीएनआरसी बेलगाम घोड़ा हो गई है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, स्टेट इसमें कुछ नहीं कर सकता, इन्होंने कानून की गरिमा को हानि पहुंचाई, कानून के तहत काउंसिल ने काम नहीं किया, आखिर इसकी मंशा क्या है, क्या छिपा रहे हैं एग्ज़ाम लेकर के। जस्टिस आर्या ने कहा, देखिए आप छात्रों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, ये छात्र भी पढ़ाई के एवज में भारी भरकम राशि भुगतान कर रहे हैं, जबकि इनमें कई कॉलेज तो है ही नहीं, कई में टीचर नहीं है। तो आप भी इस मामले को जानते हैं, ये आपके लिए नया नहीं होगा शायद, अगर जो हमारे चैनल पे आप हैं तो आपको इस बारे में ज़रूर मालूम होगा कि नर्सिंग का जो स्थिति है एमपी में वो कैसा है। नर्सिंग कॉलेज बहुत बड़ा घोटाला बन चुका है, यह नर्सिंग कॉलेज शैक्षणिक दुकानों से भी बदतर है। इन सब के बावजूद आपने 20,000 छात्रों का जीएनएम परीक्षा ले ली, क्यों ले ली, ठीक है। इसी को जब इनको पता चला, तब जो है कि आपने वो नोटिस पढ़ा होगा कि 18 से 24 तक जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो है हम उसका रिजल्ट देंगे, अगर जो कॉलेज फर्जी हुआ तब, इसी प्रेशर में। फिर जब कोर्ट कल परसों जब सुनवाई हुआ था, हमने आपको एक कटिंग दिया था ग्रुप में, आपने देखा होगा, ठीक है, तब जा कर के ये जो है जब कोर्ट बिल्कुल नाराज़ हुआ एग्ज़ाम करवाने को लेकर, तब फिर इन्होंने ये नोटिस जारी किया। देखिए, जज ने दी चेतावनी, खामी मिले तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल इसमें जो जांच चल रही है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लियर जांच चल रहा है, भले ही सेशन लेट हो रहे हैं, लेकिन जब ये बिल्कुल क्लियर होगा मामला, तो एमपी में जो नर्सिंग का जो ये जो है ना जो चल रहा है फर्जीवाड़ा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा शायद, अगर वहाँ का सरकार के पास भी इस मैटर पर सुनने के लिए समय नहीं है। आपने किसी भी मंत्री को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि जो नर्सिंग घोटाला हो रहा है या नर्सिंग में जो इस प्रकार का हालात है उसके ऊपर कुछ भी कहा हो, चाहे वहाँ के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनके द्वारा भी किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे देखिए, लॉ एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने कहा कि अगर कॉलेज फर्जी है तो उन छात्रों को जो उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसे दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ट्रांसफ़र करने की गुहार लगाई जबकि कोर्ट ने राहत नहीं दी, लेकिन सीबीआई जांच के बीच जीएनएम परीक्षा आयोजित कराने पर कड़ी नाराजगी जताई।
ठीक है। देखिए, आप अगर CBI रिपोर्ट में ये देखने को मिला कि कॉलेजों में भारी खामियां है, तो मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो ये मैटर आपने देखा, अब हम आपको वो दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर अगले दिन क्या कहा है, अगले दिन, ये परसों का देखिए, 20 तारीख का न्यूज़ है। इसमें मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल अपने आप में बड़ा फर्जीवाड़ा, इसीलिए आचरण पर की आपत्ति। देखिए, हाईकोर्ट का कॉलेज को CBI जांच रोकने और परीक्षा की अनुमति देने से इनकार, कुछ नहीं कर सकते जब तक कि CBI जांच नहीं हो जाता। इन्होंने तो अब जो है MP में एडमिशन पे भी रोक लगा दिया है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 22-23 में नामांकन पे जो है बिल्कुल रोक लगा दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है चल रहा है MP में, तो यही कारण है, इसके पीछे का जो कारण है, यही कारण है कि ये नोटिस जारी करके MP NRC ने अपना पल्ला झाड़ लिया। MP NRC अगर अब सरकार भी चाहेगी कि हम इसमें कुछ बात करें या फिर इसमें कुछ राहत करने का कुछ प्रयास करें, तो वो भी अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह मामला CBI के जांच होने के बाद जब रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही हाईकोर्ट के निर्देश पे कुछ जो है राहत इनको दिया जाएगा। हाईकोर्ट सरकार के आदेश पे नहीं चलता है, हाईकोर्ट अपने हिसाब से उनका जो कानून है उसी पे चलेगा। लेकिन यही है, हम तो यही प्रयास करेंगे, यही भगवान से मनाते हैं कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ जो है ख़त्म हुए, और जिनका कि एग्ज़ाम अभी तक 2020 से एग्ज़ाम नहीं हुए हैं MP में, उनका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी लिया जाए, ठीक है। और ये जो कल नोटिस आया है, उस नोटिस के एवज में आप देखिए यहाँ पे जो NSUI के जो छात्र नेता हैं रवि परमार, उनके द्वारा जो है एक आवेदन दिया गया है काउंसिल को। तो काउंसिल के बस की बात नहीं है अभी, काउंसिल में आप कितना भी आवेदन दे लो, काउंसिल के बस की बात है ही नहीं, ठीक है। आप कितना धरना प्रदर्शन कर लो, काउंसिल के बस की बात नहीं है। अब जब तक कि कोर्ट आदेश नहीं देगा, काउंसिल कुछ नहीं कर सकती, समझ लो आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए काउंसिल का आदेश, GNM के प्रथम द्वितीय वर्ष परीक्षा परिणाम पर रोक, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, 18 मई को जो आयोजित हुआ था, आगामी आदेश तक रोक लगा दी, ठीक है। 19 मई को रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने आदेश में कहा कि जिन कॉलेजों की मान्यता समाप्त होगी उनका ही सिर्फ रिजल्ट जो है कोर्ट के अधीन माना जाएगा। अब अपने ही आदेश को MP NRC ने बदलकर GNM फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रिजल्ट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। पहले क्या बोला था काउंसिल ने कि जो कॉलेज फर्जी निकलेगा हम उसी का रिजल्ट पेंडिंग करेंगे, अब जो है सबका पेंडिंग कर दिया है जब तक कि ये मामला क्लियर नहीं होता। तो इसी पे जो है उन्होंने आपत्ति जताई है, और एक मांग जो है उन्होंने किया है, ये देखिए, ये हैं रवि परमार जो कि आपका NSUI के अध्यक्ष हैं शायद MP में। हमने इनसे कई बार बात किया है मुद्दे पे, लेकिन इनको सिर्फ लाइमलाइट से मतलब है, ठीक है। ये भी छात्र हित में कुछ ज़्यादा प्रयास करते नहीं हैं। जो मेन मुद्दा है, जैसे कि हमने इनको कई बार थर्ड ईयर का रिजल्ट के लिए भी फ़ोन करा था, ठीक है, कि थोड़ा सा देखिए थर्ड ईयर का मैटर का, हालांकि जो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में जो हो रहा है वो तो अब कोर्ट के आदेश पे है, कम से कम थर्ड ईयर वाले मामले पे भी तो आप कम से कम मदद कीजिए और जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिलवाने का कम से कम प्रयास कीजिए। तो इस तरह से मुझे संतोषजनक जवाब भी इनसे नहीं मिला, और हम आशा करते हैं कि शायद इनको कुछ याद हो तो ये प्रयास करें अपने हिसाब से, ठीक है। तो यही था, अब ये देखिए यही कवरेज है इनका, GNM के परीक्षा परिणाम पे रोक, लाखों भविष्य अंधकार में है, 3 साल से परीक्षा नहीं हुआ है, यही सब था। इन्होंने ज्ञापन दिया है, ठीक है, ज्ञापन दिया है कि इस तरह से। तो MP NRC के बस की बात नहीं है, अब ये मामला अब कोर्ट के पास है। MP NRC डर करके ही ये नोटिस निकाला है ताकि अब आगे उनका जो है किसी प्रकार का बेइज्जती ना हो कोर्ट में, ठीक है। इसीलिए इन्होंने ये नोटिस निकाल दिया कि अब हम एग्ज़ाम को बिल्कुल, उसका जो परीक्षा परिणाम है हम अगले आदेश तक रोक देते हैं, जब तक कि CBI जांच नहीं होगा, जब तक कि आपका कोर्ट ने कुछ आदेश नहीं देगा। तो आपको पता है अगला जो सुनवाई है वो आपका 27 जुलाई को है इसका, ठीक है, 27 जुलाई को इसका जो है होना है सुनवाई एक। अब उसमें देखिए उस दिन CBI अपना रिपोर्ट शायद पेश करेगी, उसके बाद क्या कुछ कोर्ट के द्वारा कहा जाता है, ठीक है। हम तो आशा करते हैं कि कोर्ट जो है पर डे इसका सुनवाई करे ताकि जल्दी से जल्दी जो मामला है ये निपट सके, और छात्र भी जो है इनसे बहुत परेशान हो गए हैं। आप समझिए कि जो जिसका 2020 से एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो कितना परेशान हो रहे होंगे। तो हाईकोर्ट से निवेदन है कि वो पर डे इसका सुनवाई किया करें, मंडे टू फ्राइडे, ताकि जल्दी जल्दी इस मामले को जो है बिल्कुल आपका
आगे बढ़ा करके इसे निपटाया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर हैं एमपीएनआरसी के क्या कह रहे हैं, कोर्ट में मामला लंबित, हाई कोर्ट में मामला लंबित है, इसके चलते जीएनएम पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाओं का रिजल्ट स्थगित कर दिया गया, हाई कोर्ट के आदेश पर ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब जब भी रिजल्ट आएगा, चाहे दो महीना में आए, एक महीना में आए, अब कोर्ट जब तक उन्हें नहीं बोलेगा कि हाँ आप परीक्षा परिणाम तैयार कीजिए, तब तक तैयार नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड ईयर में भी हमने, हमारे द्वारा जो फ़ोन कॉल किए गए हैं काउंसिल में, या फिर बहुत से ऐसे लोगों को जो जिनका की पहुंच है काउंसिल तक, जो छात्र हित में आगे आते हैं, उनको भी हमने कई बार अप्रोच किया है इस मैटर पे, तो वो भी अब जो है बोल रहे हैं कि 20-25 दिन जो है एग्ज़ाम रिजल्ट में, थर्ड ईयर के रिजल्ट में टाइम लगेगा, तो उसका भी वेट कर लेते हैं। हालांकि इस सब मामले में जो 19-22 के छात्र हैं वो परेशान ना हो, उन्हें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो अब रिजल्ट का इंतज़ार करें, रिजल्ट आए उसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो आगे होगा। ठीक है, तो यही सब मैटर था। आप देखिए यहाँ पे अपने ही निर्णय से पलटी काउंसिल, पहले कुछ बोला अभी कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हाईकोर्ट का प्रेशर है काउंसिल के ऊपर, तभी ये इस प्रकार का जो है काम कर रहे हैं, अन्यथा इसको कोई ये नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए है ना लिखा हुआ, देखिए मामले की अगली सुनवाई जो है 27 जुलाई को होगी। तो यही मैटर था, आज आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। तो हालांकि आप लोग जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही मालूम था इस प्रकार का जो है कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट के द्वारा जब निर्णय लिया जाएगा तो आप लोगों का जो है रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाएगा, आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, हाँ, जो कॉलेज फर्जी पाया जाता है तो हाईकोर्ट जो है उस पर कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, अगर हाईकोर्ट, अगर जो ज़्यादा हाईकोर्ट के नज़र में खामियां आती है काउंसिल के तरफ से या कॉलेज के तरफ से, तो हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम है उसे भी कैंसिल कर सकता है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक हमने लिया था, यहाँ पे देखिए ये आपका 9 मई का कटिंग है, जिसमें फर्जी तरीके से चल रहे अंचल के 14 नर्सिंग कॉलेज पर पढ़ेंगे ताले, कॉलेज तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब प्लस यहाँ देखिए नर्सिंग कॉलेज के 602 छात्र हैं, इनरोलमेंट भी इसका निरस्त कर दिया गया है। अगर कॉलेज बिल्कुल फर्जी होगा तो आपका एनरोलमेंट भी जो है निरस्त कर दिए जाएंगे, आपका साल भी ख़त्म, आपका एनरोलमेंट भी ख़त्म, फिर आपका रिजल्ट भी ख़त्म। तो ये हम ये मना नहीं कर सकते कि इस प्रकार का नहीं हो सकता। अगर कॉलेज बिल्कुल फर्जी रहेगा तो आपके साथ इस एनरोलमेंट को भी निरस्त करने का काम किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि एनरोलमेंट निरस्त करना और प्लस एग्ज़ाम के बाद एनरोलमेंट निरस्त करना, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि आप एग्ज़ाम ले लिए हैं उसके बाद अगर जो इस प्रकार का करेगा तो ये छात्र हित में बिल्कुल नहीं है। छात्रों के बारे में ज़रूर हाईकोर्ट के द्वारा सोचा जाए। ठीक है, इनरोलमेंट हो गया जिसका, जैसे कि मान लेते हैं अभी अभी रजिस्ट्रेशन के लिए जो 22-23 वाला निकला था, हाईकोर्ट के निर्देश पर ही वो रोक दिया गया कि आप अभी नामांकन नहीं कर सकते, एडमिशन नहीं करवा सकते। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या कुछ होता है, अब आगे जो भी इस मामले में कुछ जानकारी मिलता है तो हम आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यही सब जानकारी था, बाकी ये आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो कितना आपके लिए हेल्पफुल है वो ज़रूर हमें बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, पाने के लिए, नर्सिंग से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार का कोई भी घटना MPNRC MP नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जब होता है तो आप तक पहुंचने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।